गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट टू वीडियो चैप्टर का पार्ट टू वीडियो में आज हम लोग बात करने हैं अवयवों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो यहाँ हम लोग पहला ऑपरेशन देखेंगे अवयवों पर, अवयवों के योग के बारे में। अवयवों के योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अवयवों के योग। चलिए समझते हैं। तो यहां मान लेते हैं, माना ए और बी दो समान कोटि के अवयव हैं, समान कोटि के अवयव हैं। तो हम लोग ए बराबर ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि ए आई जे जिसका कोटि है एम बाई एन, और बी बराबर इसको डिफाइन कर रहे हैं ऐसे बी आई जे जिसका कोटि है m बाई एन, मतलब दोनों की कोटियां समान है। तो इसका योग कैसे निकलेगा? तो a प्लस बी से डिफाइन होगा। और कैसे डिनोट, कैसे दिखाएंगे इसको? तो यह हो जाएगा ए आई जे और इसका कोटि m बाई एन, और प्लस दूसरा जो मैट्रिक्स दिया है वो हो गया बी आई जे और इसका कोटि है m बाई एन। तो दोनों का योग जो होगा इस तरह से हो जाएगा ए आई जे और प्लस में बी आई जे एम बाई एन कोटि का अवयव प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब कि इनके संगत तत्वों को जोड़ेंगे, देख रहे ना, ए आई जे को किस में जोड़ लेना है, बी आई जे में, यानी कि इनके संगत तत्वों को जोड़ देंगे और जो प्राप्त अवयव होगा वही उन दोनों अवयवों का योग हो जाएगा। समझ रहे ना इसका मतलब? चलो जैसे एग्जाम्पल से देखो, मान लो ए को ही अवयव दिया है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 1, 4, 5, 3, और बी ए का अवयव दिया है जिसके एलिमेंट है 4, 7, 3, 1, 2, 5। अब इन दोनों का योग निकालना है। तो पहले योग के लिए ध्यान रखना कि दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। तो इसका देखिए, दो गो रॉ है, तीन गो कॉलम है, यानी 2/3 कोटि का है। इसमें भी दो रॉ और तीन कॉलम है, यानी कि ये भी 2/3 कोटि का है। तो अब यहाँ पे आप योग निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। और कैसे योग निकालेंगे? तो हम लोग देख रहे हैं कि इनके संगत तत्वों को जोड़ दिया जा रहा है। तो संगत तत्वों को जोड़ दीजिए, तो दो में जोड़ेंगे चार को, देख रहे ना, दो में चार को। ये देखिए, ए 11 के स्थान पे यहाँ पे ये है और ये बी 11 के स्थान पर ये है। वैसे ही ए 12 के स्थान पे ये है और यह बी 12 के स्थान पे है, यानी कि संगत तत्वों को यहाँ जोड़ देने से जो प्राप्त अवयव होगा वही इनका योग होगा। 4+1, 5+2, 3+5, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा 6, 10, 4, 5, 7, 8, ये आपका योग निकल गया। अब उसी तरह से मान लो अगर अंतर निकालना है, हमें दो अवयवों का अंतर निकालना है, अवयवों का अंतर निकालना है, ठीक है, घटाव निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहां मान लेते हैं, माना ए और बी दो समान कोटि के अवयव हैं, दो जो है ए और बी वो समान कोटि के अवयव हैं। तो ए बराबर हम लोग यहाँ मान लेते हैं ए आई जे जिसके एलिमेंट है और एम बाई एन कोटि है इसका, और बी बराबर मान लेते हैं बी आई जे और इसका कोटि जो है एम बाई एन है। तो दोनों की समान कोटि है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे अंतर को? ए माइनस बी। और कैसे डिफाइन हो जाएगा? तो वहां हो जाएगा किस तरह से? तो पहले तो इनको एड में देते हैं, ए आई जे एम बाई एन कोटि का है और डिफरेंस है ना जी, सॉरी बी आई जे इस तरह से देते हैं, और इनके संगत तत्वों को घटा देंगे, यानी ए आई जे में से किसको घटाएंगे? बी आई जे को, और इनसे जो प्राप्त मान आएगा, इनसे जो प्राप्त अवयव आएगा वही आपका अवयव जो होगा, अवयवों का अंतर हो जाएगा, ए और बी अवयव का अंतर होगा। कहने का मतलब, जैसे मान लो ए बराबर एक अवयव दिया है 2, 3, 5, 1, 4, 2, ठीक है, और बी एक अवयव दिया है 3, 5, 7, 1, 5, 2, ठीक है। तो इनका अंतर कैसे डिनोट करेंगे? a माइनस बी से। और कैसे डिफाइन होगा? तो देख रहे ना, संगत तत्वों को घटाया जा रहा है, यानी कि यहाँ घटाएंगे 2 में से 3 को, 3 में से 5 को, 5 में से 7 को, 1 में से 1 को, 4 में से 5 को और 2 में से 2 को। तो जो अंतर आएगा और अंतर से प्राप्त अवयव जो होगा वह आपका इनका अंतर हो जाएगा। यहाँ घटाओगे तो -1, ठीक है, -2, और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा -2, फिर 0,
फिर माइनस का वन और फिर जीरो। तो ये आपका ए और बी का अंतर आ गया। तो ध्यान रखना, जोड़ने और घटाने के लिए पहले तो दोनों आवयवों की कोटि समान होनी चाहिए, और कोटि समान हो गई तो दोनों के संगत तत्वों को अगर जोड़ना होगा तो जोड़ लेंगे और घटाना होगा तो घटा लेंगे। बहुत ही सिंपल है जोड़ और घटाव निकालना। चलिए अब आवयवों के योग के गुणधर्म के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पहला प्रॉपर्टीज है कि योग का क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम के बारे में हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, क्लास 11 में भी मैंने आपको पढ़ाया क्रम विनिमय नियम के, या पीछे के चैप्टर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे ना बाइनरी ऑपरेशन, उसमें भी पढ़े हुए थे क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो यहाँ जो हम लोग क्रम विनिमय नियम पढ़ेंगे किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स के लिए, आवयवों के लिए, तो आवयवों का योग जो होता है क्रम विनिमय नियम होता है। यानी क्रम विनिमय नियम किस तरह से होता है, तो यहाँ लिखा ऐसे दर्शा सकते हैं कि ए और बी दो समान कोटि के आवयव हैं, एम बाई एन कोटि के आवयव हैं, तो ए प्लस बी जो होगा बी प्लस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट ए बराबर दिया है ए आई जे, एम बाई एन कोटि का एक आवयव है, और बी बराबर दिया है बी आई जे, इसके एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में है और यहाँ पे इसकी कोटि एम बाई एन है, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों का ऐड की बात करें, एल एच एस लो, यही ना है ए प्लस बी, तो इनका एडिशन आप कैसे दिखाओगे, तो ए आई जे एम बाई एन कोटि है इसकी, और यहाँ है बी आई जे एम बाई एन, ए और बी का वैल्यू रख दिए जो माने हुए थे। अच्छा, दोनों का एडिशन मतलब इनके संगत एलिमेंट को जोड़ लेना, यानी कि ए आई जे और प्लस में बी आई जे एम बाई एन कोटि का, ऐसे कर सकते हैं ना। तो अब देखो ए आई जे और बी आई जे यहाँ कोई एलिमेंट्स होंगे ना, और एलिमेंट कोई वास्तविक संख्या या कोई संख्या होगी, और यह संख्या ए आई जे और बी आई जे की बात करें तो अगर हम लोग देखें क्रम विनिमय नियम से, कम्यूटेटिव नियम से, तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है, जहाँ ए और बी क्या है आपकी वास्तविक संख्या है, हम लोग पढ़े हैं ना। अगर ये वास्तविक संख्या है तो इनका योग ए प्लस बी जो हो बी प्लस ए के बराबर होता है, होता है ना जी। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं क्रम विनिमय नियम के द्वारा, इसको पलट सकते हैं कि नहीं, यानी कि हो जाएगा या बी आई जे और प्लस में ए आई जे, ठीक है। चलिए तो यहां से आपका क्या प्राप्त हो गया, तो यहाँ देख रहे हैं अगर इसको अलग अलग बांट दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं ऐसे बी आई जे एम बाई एन और प्लस ए आई जे एम बाई एन। तो देखो तो इसका वैल्यू आपका बी हो जाएगा और इसका वैल्यू ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना कि a प्लस ई बी बराबर बी प्लस ए, ऐसे नहीं प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग पलट दिए। तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं किसके लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, इन सब के लिए, लेकिन यहाँ तो आपका आवयू को ना दिखाना है, तो आवयू दिखाने के लिए ये सही तरीका होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको दर्शाएंगे, समझ गए। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं आवयुओं के योग का सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए। चलिए तो आवयवों के योग जो होता है सहचर होता है, यानी कहने का मतलब है कि ए प्लस ए बी और सी यदि तीन एम बाई एन कोटि के आवयव हैं, यानी कि तीनों की कोटियां समान है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के। तो देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका कोटि एम बाई एन है, और बी बराबर एक मैट्रिक्स मान लेते हैं बी आई जे के रूप में है और जिसकी कोटि जो है एम बाई एन है, और सी जो है यह एक मैट्रिक्स है सी आई जे के फॉर्म में और इसकी भी कोटि एम बाई एन है। तो अगर हम यहाँ पे एल एच एस ले तो यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं ए आई जे कोटि है एम बाई एन, प्लस बी का भी वैल्यू रख दो तो हो जाएगा बी आई जे और इसकी कोटि है एम बाई एन। उसी तरह से सी का भी वैल्यू रख दो सी आई जे और इसकी भी कोटि है आपकी एम बाई एन, ठीक है। चलो तो अगर इसको जोड़ें, आप आवयवों के योग के अनुसार इसको जोड़ सकते हो ना, तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसको तो पहले ऐसे लिख देते हैं ए आई जे एम बाई एन इसकी कोटि है, तो इसको जोड़ोगे तो कैसे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा बी आई जे संगत तत्वों को जोड़ेंगे ना और प्लस में सी आई जे एम बाई एन इसकी कोटि। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इतना प्लस इतना, यानी कि हो जाएगा ए आई जे और प्लस में
बी आई जे प्लस सी आई जे, यहां भी हम लोग संगत तत्वों को जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इसकी भी कोटि m बाई n है, इसकी भी कोटि m बाई n है, तो इसको और इसमें सारे को जोड़ देंगे तो ये आपका भी m बाई n कोटि का ही एक आविहू प्राप्त होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो होता है बराबर होता है a प्लस बी और प्लस सी के, किसी भी संख्या के लिए। तो ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे, ये सब क्या है आपकी, कोई वास्तविक संख्या होगी और कोई वास्तविक मान होगा। अब यह वास्तविक मान को अगर हम लोग इसके साथ इस नियम के अनुसार देखें, साहचर्य नियम के अनुसार देखें, साहचर्य नियम से देखा जाए संख्याओं के लिए, ये संख्याएं ना जी, ये अभी थोड़ा है, ये सब तो संख्याएं हैं, और संख्याओं के लिए देखा जाए तो इसको और इसका प्लस और इसके प्लस के बराबर हो जाएगा इस नियम के अनुसार, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए आई जे और प्लस में हो जाएगा बी आई जे, और फिर प्लस में अलग से हो जाएगा सी आई जे एम बाई एन को, ठीक है। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इस तरह से, सॉरी ए आई जे प्लस बी आई जे और इसकी कोटि लिख दो m बाई एन, और प्लस यहाँ भी उसी तरह से सी आई जे और इसका भी कोटि हो जाएगा m बाई एन। चलो अब यहाँ से इसको फिर से अलग अलग कर लेंगे इसके साथ इसके, तो आ जाएगा ये ऐसे हो जाएगा ए आई जे m बाई एन इसकी कोटि, है ना, योग के नियम से, मैट्रिक्स के योग के नियम से। यहाँ पे भी हो जाएगा उसी तरह से बी आई जे इसकी भी कोटि हो जाएगी m बाई एन। आपको पता ना कि दो समान कोटि के अगर आयुधी हैं तो उनके संगत तत्वों को जोड़ा जाता है, जब संगत तत्व योग के रूप में है तो इनको अलग अलग भी तो किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए और प्लस में है आपका सी आई जे और इसका भी कोटि है m बाई एन। तो देखो ये आपका a का वैल्यू है और ये आपका b का वैल्यू है, तो a प्लस बी और फिर प्लस में c, ये देखो तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया कि नहीं, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे योग के तत्समक का अस्तित्व, योग के तत्समक का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमने पढ़ा हुआ था बाइनरी ऑपरेशन, तो याद है आपको तत्समक अवयव क्या होते थे, कि किसी एलिमेंट के साथ जब किसी तत्समक अवयव का ऑपरेशन होता है तो वह पुनः एलिमेंट ही आ जाता है, पुनः एलिमेंट ही आ जाता है। तो उसी तरह आव्यूह के लिए भी यदि ए एक m बाई n कोटि का आव्यूह है तो ओ एक m बाई n कोटि का शून्य आव्यूह है, जीरो मैट्रिक्स है, वो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। तो अगर a में आप इस जीरो मैट्रिक्स को जोड़ोगे, ठीक है, या जीरो मैट्रिक्स में a को जोड़ोगे तो आपका a ही आ जाएगा, पता है ना ये। अब इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे तो आपका a ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि योग का तत्समक जो होगा वो आपका क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होता है। योग का तत्समक जो होगा किसी आव्यूह के लिए वह जीरो मैट्रिक्स ही होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, लेट ए एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए आई जे का एम बाई एन कोटि का ये है, और एक मैट्रिक्स ओ मान लेते हैं बी आई जे के रूप में, और इसका भी कोटि एम बाई एन लेना होगा क्योंकि जोड़ना है ना आपको, तो दोनों की कोटियां समान लेनी होगी ना। देख लो यहाँ पे भी एम बाई एन कोटि का है, यह भी एम बाई एन कोटि का है। अब चूंकि आपको ये एक जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो होता है जीरो होता है, यानी कि यहाँ बी आई जे हर एक वैल्यू के लिए जीरो होगा, ठीक है, बी आई जे हमेशा जीरो के इक्वल होगा। अब देखो ए प्लस ओ मतलब कि ए आव्यूह जो दिया है उसमें जीरो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, यानी हो जाएगा ए आई जे एम बाई एन कोटि का और प्लस बी आई जे इसकी भी कोटि एम बाई एन है। तो दोनों को योग करेंगे तो हम लोग अभी देखे थे इसके पहले कि इसके संगत एलिमेंट को जोड़ा जाता है आव्यूह के नियम के अनुसार, ही ना बताए थे, तो ए आई जे प्लस में हो जाएगा बी आई जे और कोटि होगी एम बाई एन। तो चूंकि बी आई जे का वैल्यू आपका जीरो होगा क्योंकि जीरो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट तो जीरो होता है ना, तो इसका वैल्यू आप जीरो रख दो तो हो जाएगा ए आई जे प्लस जीरो और एम बाई एन। चलो तो यहाँ जुड़ेगा तो आपका ए आई जे ही ना आएगा, ए आई जे एम बाई एन, तो यह क्या आ गया आपका ए आ गया। तो इसी प्रकार अगर हम जीरो मैट्रिक्स में ए को जोड़ेंगे तब भी आपका ए ही आएगा, इसी तरह आप उसको भी चेक कर सकते हो, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि ए प्लस ओ यानी कि वो क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स सॉरी
और जीरो मैट्रिक्स प्लस ए आपका ए ही आएगा, यानी कि योग का तत्समक जो होगा आपका एक जीरो मैट्रिक्स होता है, यहाँ से ये पता चल गया। चलिए अगला देखिए प्रॉपर्टी फोर, योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के बारे में याद है हम लोग जब बाइनरी ऑपरेशन पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई एलिमेंट ए का, मैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए लेके चल रहा हूँ, अगर किसी एलिमेंट ए के साथ किसी एलिमेंट बी का ऑपरेशन करने पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जा रहा है, डेट मीन्स कह देंगे कि ए का इनवर्स जो होगा वो बी होगा, ए का इनवर्स क्या होगा बी होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं किसी अभिव्यूह ए के लिए ए के साथ अगर माइनस ए का योग निकाला जा रहा है तो वह आपका एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, और जीरो मैट्रिक्स वो आ रहा है, यहाँ देखा ना जीरो मैट्रिक्स है और यह एक जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स अभी आपको बताए थे कि वह योग का तत्समक होता है, योग का तत्समक होता है, योग का आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, इससे रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ देख लिए कि ए में अगर माइनस ए को जोड़े या माइनस ए में ए को जोड़े आपका एक जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि अभिव्यूह ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होगा, अभिव्यूह ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस ए। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए आई जे जिसकी कोटि क्या है एम बाई एन है, जिसकी कोटि क्या है एम बाई एन है। ठीक है, अब माइनस ए की बात करें तो माइनस ए वो ऐसा भी होगा जिसके एलिमेंट सारे माइनस में चले जाएंगे, यानी कि माइनस का ए आई जे ऐसे हो जाएगा, इसका भी कोटि एम बाई एन ही रहेगा। अब दोनों को ऐड कर दो, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो कैसे दिखाओगे ए आई जे एम बाई एन कोटि का, और प्लस में माइनस ए का वैल्यू ये ना हो जाएगा माइनस का ए आई जे इसका भी कोटि एम बाई एन होगा। तो हम लोग योग के नियम के अनुसार आपको पता है इसको कैसे जोड़ा जाएगा, तो इनके संगत तत्वों को जोड़ेंगे, तो आयु के योग में ही ना बताए थे, यानी कि ए आई जे और प्लस माइनस का ए आई जे यानी माइनस में ही आ जाएगा, चलिए एम बाई एन कोटि। तो यहाँ घटेगा तो आपका जीरो ना होगा, तो हर एक एलिमेंट आपका जीरो हो गया, तो जीरो हो गया और एम बाई एन कोटि का, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स को ही डिनोट कर रहा है, एक जीरो मैट्रिक्स को ही डिनोट कर रहा है। तो हमने देखा ना कि ए में माइनस ए जोड़े तो आपका एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। इसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर हम माइनस ए में ए जोड़ दें तो भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए इक्वल टू एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, यानी कह सकते हैं कि अभिव्यूह ए का योज्य प्रतिलोम जो होगा योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस ए होगा, योज्य प्रतिलोम माइनस ए होगा, किसी अभिव्यूह ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पांचवा प्रॉपर्टी काट नियम के बारे में। तो अभिव्यूह के योग के लिए काट नियम वैध है, अर्थात ए बी सी कोई तीन समान कोटि के अभिव्यूह हो, एम बाई एन कोटि के अभिव्यूह है, तीनों का कोटि क्या है एम बाई एन है। तो हम लोग पहला क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी बराबर अगर ए प्लस सी हो तो ए से ए कट जाएगा, आपका क्या प्राप्त हो जाएगा बी प्लस सी आ जाएगा। तो ये तो सिंपल बात है, आप यहाँ काट के भी प्रूफ कर सकते हो, या एक और तरीका है हमारे पास दिखाने के लिए, हम लोग इसको ले लेंगे ए प्लस बी बराबर में ए प्लस सी, दोनों तरफ माइनस ए जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस ए और प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस ए में प्लस ए जुड़ेगा तो आपका एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, और जीरो मैट्रिक्स प्लस बी, यहाँ भी जीरो मैट्रिक्स प्लस सी। तो जीरो मैट्रिक्स में आपको पता है कि ये योग का तत्समक होता है, तो जीरो मैट्रिक्स में जब किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, आपको पता है ना, तो यहाँ भी सी आ जाएगा, तो बी बराबर सी हो गया। उसी तरह से आप दूसरा भी देख लो, बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए है, तो ए से ए हट गया, आपका बी बराबर हो गया सी। तो ये पहला वाला जो है बायां काट नियम है और ये दायां काट नियम, यानी कि ये बाएं तरफ वाले को काट रहा है और इसमें दाहिने तरफ वाले को काट रहा है, इसलिए इसको दायां काट नियम कहेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसी अभिव्यूह का एक अदिश, अदिश का मतलब कोई संख्या हो सकती है, उसके साथ गुणा करना, उसके साथ गुना कैसे करेंगे, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर और ए नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तो मान लेते हैं कि ए एम बाई एन कोटि का एक अभिव्यूह है, ए जो है एम बाई एन कोटि का एक अभिव्यूह है, ठीक है एम बाई एन कोटि का अभिव्यूह है, तथा के एक अदिश यानी कि एक संख्या है, के क्या है एक अदिश है या एक संख्या है। तो अभिव्यूह ए का
अदिश केस के साथ गुना करने पर प्राप्त आव्यूह को के ए से सूचित करेंगे। किसे सूचित करेंगे? के ए से सूचित करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे? तो के एक ऐसा आव्यूह है जो ए के प्रत्येक अवयव को अदिश के से गुना करने पर प्राप्त होता है, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट में के से गुना कर देने से जो प्राप्त आव्यूह होगा वही के ए का वैल्यू होगा, यानी हर एक एलिमेंट में के से गुना कर देंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझा जाए। मान लीजिए आपके पास ए एक मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट है 2, 1, 7, 5। अब कह दे यहाँ कि आप 2a का वैल्यू बताओ, 2a, तो देख रहे हैं ना इस आव्यूह a में हम एक अदिश यानी कि एक संख्या से गुना कर रहे हैं। तो अब इस संख्या से इसमें गुना करेंगे तो आपको करना क्या होगा, इसके हर एक एलिमेंट में करेंगे, 2 × 4, 1 × 2 = 2, 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, मतलब हर एक एलिमेंट में, अगर 3a निकालना होता तो हर एक एलिमेंट में 3 से आपको गुना करने से जो प्राप्त आव्यूह होगा वही आपका वैल्यू आएगा उसके साथ उसके अदिश के गुणनफल के बराबर। यानी आप ध्यान रखना कि अगर किसी आव्यूह में 2 से 4 से 5 से 10 से किसी से भी गुना करना होगा तो उसके हर एक एलिमेंट में गुना करना होगा, या कॉमन करना होगा तो उसके हर एक एलिमेंट में से बाहर कॉमन करना होगा। और मान लो इसमें कहे कि इसमें से 2 कॉमन करना है तो 2 कॉमन करने का मतलब 2 हर एक एलिमेंट में से कॉमन होगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट में से कॉमन होगा। और गुना भी करना होगा तो हर एक एलिमेंट में ही गुना करेंगे, ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे किसी अदिश गुणन का गुणधर्म, यानी कि आव्यूह के साथ किसी अदिश का जब गुना किया जाता है तो किस तरह से आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको समझना है, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाई अ मैट्रिक्स। चलिए तो पहला देखते हैं प्रॉपर्टी, यदि ए और बी कोई 2m/n कोटि के आव्यूह हैं तो के कोई अदिश है। यहाँ देखो m/n कोटि के 2 आव्यूह हैं यानी समान कोटि के 2 आव्यूह हैं और के कोई अदिश है तो के ब्रैकेट में ए प्लस बी किसके बराबर होगा, तो के ए प्लस के बी के। यानी कि कहने का मतलब कि इस अदिश के साथ, इस के साथ एक बार ए आव्यूह में सभी एलिमेंट में गुना होगा, एक बार बी आव्यूह के सभी एलिमेंट में गुना हो जाएगा, यानी ये वितरित हो गया, इसके साथ गुना किया एक बार इसके साथ। गुना करने का मतलब यह है कि ये के, ये जो कॉन्स्टेंट होगा, ए के हर एक एलिमेंट में गुना करेगा और यह के जो होगा बी के भी हर एक एलिमेंट में गुना करेगा। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। लेट ए इक्वल टू, मान लेते हैं ए आई जे m/n कोटि का एक आव्यूह है और बी बराबर भी मान लेते हैं एक बी आई जे यह भी m/n कोटि का आव्यूह है। तो अगर हम एल एच एस की बात करें तो एल एच एस में दिया है के ए प्लस बी, ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू यहाँ पे रखो, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ए आई जे m/n और प्लस में बी आई जे m/n कोटि का, ठीक है। अब देखो इसका योग जो होगा आव्यूह के आधार पे किस तरह से, तो संगतों को गुना किया जाता है, जोड़ा जाता है ना जी। चलिए यानी कि हो जाएगा इसको कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ऐसे ही ना योग को दिखाएंगे और इनकी कोटि एम बाई एन होगी, यानी संगत एलिमेंट को जोड़ लिए, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट जो है, कॉन्स्टेंट की बात करें तो यह कॉन्स्टेंट क्या करता है, तो यह कॉन्स्टेंट अंदर चल जाएगा। इसका आपको पता है कि यह कॉन्स्टेंट आव्यूह के हर एक एलिमेंट में गुना करेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा के ए आई जे और प्लस में बी आई जे, ठीक है, एम बाई एन इसमें गुना कर देते हैं तो हो जाएगा आपका क्या, इस तरह से के ए आई जे और प्लस में के बी आई जे, ऐसा हो सकता है ना एम बाई एन। यहाँ को यहाँ अलग अलग कर सकते हैं, यानी अलग अलग करने का मतलब है कि इस तरह से हम दिखा सकते हैं के ए आई जे एम बाई एन कोटि का और प्लस में के बी आई जे एम बाई एन कोटि का, क्योंकि देखो आव्यूह के योग से बताए थे कि संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, तो जब इस रूप में है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखो ये कॉन्स्टेंट जो है ये बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा इस तरह से ए आई जे एम बाई एन कोटि का, क्योंकि अभी आपको बताए थे कि अभी इसके पिछले नियम बताए थे कि किसी भी कॉन्स्टेंट से जब गुना करिएगा या किसी भी अदिश से गुना करिएगा तो वो हर एक एलिमेंट में गुना करेगा, और कॉमन भी करना होगा तो हर एक एलिमेंट से बाहर आएगा, उसी तरह से यहाँ भी बाहर आ जाएगा बी आई जे एम बाई एन। तो यह किसका वैल्यू, ए का, ये किसका वैल्यू है, बी का, तो हो गया ना के ए प्लस के बी। तो बहुत ही आसान है इन सब में प्रूफ करना, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। उसी तरह आप सेकंड देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ए कोई आव्यूह है और ए और बी कोई 2 अदिश है तो ए प्लस बी इंटू ए जो होगा यह जो आव्यूह है ये दोनों के साथ एक एक करके गुना कर जाएगा,
ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि यदि ए कोई आव्यूह है और के कोई सदिश है, तो माइनस के में अगर ए से गुणा करते हैं तो यह माइनस के ए के बराबर होगा या के इंटू माइनस ए के बराबर होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, यदि ए कोई आव्यूह है और ए और बी कोई अदिश है, तो अगर हमें इस तरह से दिखाना हो ए बी ए, ठीक है, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि बी जो गुना कर रहा है ए के हर एक एलिमेंट के साथ गुना कर रहा है और फिर आपके ए के साथ गुना कर रहा है, और यह इक्वल हो जाएगा ए और बी, यानी इन दोनों अदिशों के गुना करके ए के हर एक एलिमेंट में उससे गुना कर दो तो उसके ये इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसमें से सेकंड वाला प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। पहले लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं ए आई जे, कोई मैट्रिक्स है एम बाई एन कोटि का। चलो तो यहाँ पे हम लोग एल एच एस लेते हैं, तो एल एच एस में दिया है ए प्लस बी इंटू ए, तो इसको ए प्लस बी और ए का वैल्यू यहाँ पे ए आई जे एम बाई एन लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये बाहर जो कॉन्स्टेंट है ये अंदर हर एक के साथ गुना करता है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए आई जे एम बाई एन इसकी कोटि है। चलिए अब इसको दोनों के साथ गुना कर देंगे, ये कॉन्स्टेंट, ये अदिश है और ये एक सिंपल क्या है एक एलिमेंट, तो एलिमेंट इन दोनों में गुना कर जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा ए ए आई जे ए ए आई जे, समझ रहे ना, ए ए आई जे और प्लस बी बी ए आई जे एम बाई एन को, तो यहां भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अलग अलग, तो हो जाएगा ए इंटू ए आई जे एम बाई एन कोटी और प्लस बी प्लस बी ए आई जे और इसका भी कोटी एम बाई एन, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं ना, ए बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा ए आई जे एम बाई एन कोटी का, यहाँ भी इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा ए आई जे एम बाई एन कोटि का, तो ये इस ए का वैल्यू है, ये भी ए का वैल्यू है, यहाँ से हो जाएगा ए इंटू ए और यहाँ हो जाएगा बी इंटू ए, तो ये भी परिभाषित तो क्या समझ में आया कि नहीं। चलिए थर्ड देखो, थर्ड में कह रहा है ए कोई आव्यूह है और के कोई अदिश है, तो ये आपको दिखाना है, तो तीसरे को भी चलो हम प्रूव कर देते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, आप ले लो इसका ये वाला माइनस का के और इंटू में ए, इस तरह से है ना। तो अगर इसकी बात करें, तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू की बात करें, तो वैल्यू ए के जगह पे रख सकते हैं ना ए आई जे एम बाई एन को, ठीक है, ठीक है, तो अगर ये जाके अंदर गुना करेगा, इसमें करेगा ना हर एक एलिमेंट के साथ, तो हो जाएगा माइनस का के ए आई जे, ठीक है, एम बाई एन को, ठीक है, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा आपका के ए आई जे एम बाई एन को, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको पता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, इसका जो है यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो होगा के, ये जो देख रहे हैं ये किसका वैल्यू है, के ए का ना वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, ये के ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर जो है ये किसके वैल्यू को डिनोट कर रहा है, के ए के वैल्यू को डिनोट कर रहा है ना। चलिए तो ये इसके इक्वल हो गया। अच्छा, हमें इसके इक्वल भी दिखाना है, तो एक काम करो फिर से अगेन यही लो, माइनस का के और फिर ए, यहाँ पे उसी तरह से लिखो माइनस का के, ए का वैल्यू यहाँ पे ए आई जे, उसका ऑर्डर है एम बाई एन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब ये सिर्फ निगेटिव को ही अंदर ले जाते हैं, के को यही रखते हैं, तो यह माइनस जो होगा अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का ए आई जे और एम बाई एन, तो माइनस का ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ए को ना, यानी कि के इंटू माइनस ए, तो देख रहे हैं ना बराबर हो जा रहा है, तो चौथे में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप ए को एक आव्यूह इस तरह से मानकर एलएचएस लोगे और इसको भी डिफाइन कर सकते हो आसानी से। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे न्यू चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।